हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एक्चुअली वीडियो आपको सुबह भी मिल चुका था, लेकिन हुआ यह कि उसमें कुछ ही कारणों से शायद माइक मेरा ख़राब हो गया या क्या दिक्कत थी, किसी वजह से आवाज़ नहीं गई वीडियो में और मैंने भी बात बहुत नोटिस नहीं करी और वीडियो अपलोड कर दिया। तो इसीलिए सुबह जिन लोगों ने वीडियो देखा उन्होंने मुझे बताया कि आवाज़ नहीं आ रही है वीडियो में, इसीलिए मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये दोबारा अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आई होप आपको अभी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक ठीक है, पता नहीं कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो अभी मैं दूसरे माइक से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो शुरू करते हैं। अगर आप में से किसी ने इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन डे जो है आपका, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने आपको PDF में सारे ही डेज लिख रखे हैं, तो आप उन्हें सारे भी वो रिवाइज करते चल सकते हैं। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 12 को वर्ल्ड ऑथराइटिस डे, 13 को कैलेमिटी कंट्रोल डे, UN डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और आपका इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, 15th को प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। साथ ही साथ 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, वर्ल्ड एनेस्थीशिया, वर्ल्ड स्पाइन डे। इसके अलावा आपका 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे होता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को पुलिस कमोमोरेशन डे हो जाता है एंड मोल डे हो जाता है आपका। 23 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे हो जाता है। 22 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमैट्स और वर्ल्ड पोलियो डे, ये तीनों आपके 24 अक्टूबर को हो जाते हैं। इसके अगला हमारा सवाल है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स के लेखक कौन है, सैफी किदवई, रस्किन बॉन्ड, VS श्रीनिवासन या फिर दिव्या दत्ता। तो VS श्रीनिवासन ने ये किताब लिखी है आपकी, द ओरिजिन स्टोरीज ऑफ इंडिया स्टेट्स। रस्किन बॉन्ड की किताब है राइटिंग ऑफ माई लाइफ, ये एंथोलॉजी है, हाल ही में पब्लिश हुई है। सैफी किदवई की किताब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, सर सैयद अहमद खान के ऊपर लिखी है। दिव्या दत्ता की किताब का नाम है द स्टार्स इन माई स्काई। द ओरिजिन स्टोरीज ऑफ इंडियाज स्टेट्स वाली शीर्षक वाली पुस्तक वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है, साथ ही उनके निरंतर परिवर्तन की भी कहानी है। वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन बेंगलुरु कर्नाटका के एक लेखक हैं, अभिनेता और रणनीति सलाहकार है। उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है, ठीक है, राइटिंग ऑफ माई लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड की किताब है और ये एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ प्लेज, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, यानी कि बहुत सारी कहानियों का संग्रह कहलाता है एंथोलॉजी, और ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं, उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ है। इसके अलावा UIDAI जो है एक आधार हैकेथॉन 2021 का होस्ट करने वाला है, गवर्नमेंट एजेंसी UIDAI आधार हैकेथॉन 2021 शीर्षक से एक हैकेथॉन की मेजबानी कर रहा है। हैकेथॉन 28 अक्टूबर 21 से शुरू होगा, 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें नई चुनौती होगी, हैकेथॉन दो विषयों पर है। पहला है नामांकन और अपडेट के सारे के आसपास, जो अनिवार्य रूप से निवासियों द्वारा अपना पता अपडेट करते समय सामना की जाने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियों को शामिल करना, और साथ ही साथ हैकेथॉन का दूसरा विषय है UIDAI द्वारा पेश किए गए पहचान और प्रमाणीकरण समाधान के आसपास है, ठीक है। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। अभ्यास जो है DRDO ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इन्होंने फ्लाइट टेस्ट किया है इसे अभ्यास को। इट्स अ फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। द टारगेट एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद MEMS बेस्ड इंटरस्टेशियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन अलॉन्ग विद फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर फॉर द गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो DRDO ने इसका टेस्ट फ्लाइट किया है, आप इसे ध्यान रखेंगे, अभ्यास नाम से इसका नाम है। इसके अलावा विच स्टेट इज टू होस्ट नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जवाब है इसका नागालैंड। नागालैंड जो है राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला राज्य है। नागालैंड 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
और 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को कोहिमा नागालैंड में आयोजित होने वाली है। इसके अलावा 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ भी जोड़ा जाएगा। नागालैंड द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। तो यानी 2022 की साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो कि 15 जनवरी 2022 में होगी वो भी नागालैंड में होगी, और अभी नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी नागालैंड में होगी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, सीएम है कॉनराड सांगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, सीएम है नेइफू रियो और गवर्नर है आर एन रवि। असम की राजधानी है दिसपुर और सीएम है हिमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुख। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बी डी मिश्रा। तो अगला सवाल है, हु हैज बीन अवार्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं आपके अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ओमपुरी या फिर अनुपम खेर। तो किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जवाब है इसका रजनीकांत। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अमिताभ बच्चन को नहीं किया है और ओमपुरी अनुपम खेर नहीं। रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो रजनीकांत जी को 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये आपके कोविड की वजह से अनाउंस नहीं हो पाए थे, तो ये अब अनाउंस हुए हैं। जो फिल्में 2019 में आई थी उनके आधार पर ये अवार्ड्स अभी अनाउंस हुए हैं। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो है वो हुई है और 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत जी को मिला है, ठीक है। हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने दिया है। तो इसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो मलयालम फिल्म को मिला है और वो है मारक्कर लायन ऑफ अरेबियन सी। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है लायन ऑफ अरेबियन सी, मलयालम फिल्म है आपकी ये। इसके अलावा बेस्ट एक्टर शेयर्ड रूप से अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए और धनुष को मिला है असुरान तमिल फिल्म के लिए। साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को पंगा फिल्म के लिए और साथ ही साथ मणिकर्णिका के लिए भी मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी के लिए, द ताशकंद फाइल्स फिल्म है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के ऊपर है इसके लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है विजय सेतुपति फॉर सुपर डिलक्स और ये तमिल फिल्म है। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को भटकर हुरैन, हुरैन नाम की हिंदी फिल्म है। इसके अलावा बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर मिला है माथुकुट्टी जेवियर फॉर हेलन, हेलन फिल्म के लिए मिला है और ये मलयालम फिल्म है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है नागा विशाल केडी फिल्म के लिए, तमिल फिल्म है। और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अवनी श्रीमन नारायण, कन्नड़ा फिल्म है, विक्रम मोर को मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफी मिला है आपका महर्षि फिल्म है, तेलुगु फिल्म है और राजू सुंदरम को यह अवार्ड मिला है। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट स्पेशल जूरी, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, मेकअप आर्टिस्ट और ये अवार्ड भी मिले हैं, आप इन्हें भी एक बारी नज़र फिरा सकते हैं। इसके अलावा और बेस्ट आपके स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है गुमनामी बंगाली फिल्म के लिए, स्क्रीन पे ओरिजिनल के लिए मिला है, ज्येष्ठ पुत्र बंगाली है कौशिक का गांगुली के लिए मिला है, बाकी आप एक बारी नज़र फिरा लीजिएगा, PDF में आपके सारे अवेलेबल रहेंगे। बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म का अवार्ड मिला है कस्तूरी और एक हिंदी फिल्म है। और एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे वाटर बुराई आपकी मोनपा फिल्म है और मराठी फिल्म है। सोशल इशूज पे आनंदी गोपाल इसके लिए मिला है। नेशनल इंटीग्रेशन पॉपुलर फिल्म फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रवणी रविंद्रा फॉर बारदो मराठी के लिए मिला है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का मिला है मेल प्लेबैक का बी प्राक को, वो केसरी फिल्म के लिए मिला है हिंदी में। बेस्ट हिंदी फिल्म है आपकी छिछोरे, ये ध्यान रखेंगे आप। तेलुगु फिल्म है जर्सी, मलयालम फिल्म है कालानोत्तम, तमिल फिल्म है असुरान, पानिया फिल्म है कंजीरा, मिशिंग फिल्म है अनुरावद, खासी फिल्म है लेवधू और छत्तीसगढ़ी फिल्म है भूलन द मेज। तो बेस्ट हरियाणवी फिल्म है छोरियां छोरों से कम नहीं होती और तेलुगु फिल्म है पिंगारा, पंजाबी रब्दा रेडियो 2, ओडिया फिल्म है कलरिया अतलिया एंड साला बुधार बदला, मणिपुरी फिल्म है इगी कोना एंड मराठी बार्डो, कोंकड़ी है काजरो, कन्नड़ा अक्षी, बंगाली गुमनामी एंड असमीज रौनुआ हु रिमेंबर नेवर सरेंडर्स, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है सिक्किम को। सिनेमा पे बेस्ट किताब है अ गांधियन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पेट्रोल ऑफ लव इन सिनेमा बाय संजय सूरी। फिल्म क्रिटिक का अवार्ड मिला है सोनी चट्टोपाध्याय को और ये हमने देख लिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुणा ऐप लॉन्च किया है। इस गरुणा ऐप का जो का उद्देश्य है सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुणा ऐप लॉन्च किया गया है ताकि चुनाव कार्य तेजी से स्मार्ट पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। गरुण ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से केंद्र के अक्षांश और देशांतर जैसे डेटा के साथ मतदान केंद्रों की तस्वीरें और स्थान की जानकारी अपलोड करेंगे। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में भी मदद करेगा।
निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। ऑस्कर 2022 में किस भारतीय फिल्म की एंट्री हुई है? ऑप्शन है कूजलंगम, जलीकट्टू, द क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन या असुरान। तो जवाब है इसका कूजलंगम। कूजलंगम को ऑस्कर 2022 की ऑफिशियल एंट्री माना जा रहा है। ड्रामा फिल्म कूजंगल ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। तमिल भाषा की फिल्म कूजंगल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेपल्स नाम से प्रसारित किया गया है, को अनुवादित के 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म का निर्देशन फिल्म निर्माता विनोद राज पीएस ने किया है और विघ्नेश शिवन और नयन तौरा द्वारा निर्मित है। 94 अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजल्स में अनाउंस होंगे। हु हैज बीन द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास का। जर्मन स्पोर्ट्स बियर ब्रांड बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को महिला खेलों के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह विश्व स्तर पर एडिडास महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह भारत में एडिडास की महिला ब्रांड एम्बेसडर की कुलीन सूची में शामिल हो गई हैं, जिसमें मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वो शामिल हैं, लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में वो शामिल हैं, निखत जरीन और सिमरनजीत कौर, ये अभी नेशनल वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, दोनों ही महिला बॉक्सर हैं, धावक हिमा दास एंड स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, ये लोग ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं और साथ ही साथ अब दीपिका पादुकोण को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पिछले वीडियो में आवाज़ का इशू था इसलिए मैं आपको ये वीडियो दोबारा प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आई होप जितना बताया समझ में आ गया होगा। वीडियो की PDF आपको जल्दी ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।